इंदौर के बाणगंगा इलाके में बुधवार सुबह एक हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए। भगवान के सामने अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई थी, जिसके बाद घर में फैली गैस से आग भभक गई। जिस घर में हादसा हुआ वह परिवार कबाड़ का काम करता है, इसके चलते वहां प्लास्टिक व अन्य सामान रखा हुआ था। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सुबह सूचना मिली थी कि मुखर्जी नगर में सुबह हुई आगजनी की घटना में रामचंद, उनकी पत्नी सीता, बेटा सचिन, बहू चंचल, पारुल और 2 माह की बेटी दीप्ति आग में बुरी तरह से झुलस गए। सभी को उपचार के लिए एम्बुलेंस भेजा गया। बताया जा रहा है कि 2 माह की बेटी दीप्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि सीताबाई ने सुबह अपने घर पर चाय बनाई थी, जिसमें गैस चूल्हे का ठीक से बंद करना भूल गई। इसके बाद सुबह करीब 8 बजे के लगभग सीताबाई ने ही अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस जलाई तो घर में फैली गैस से आग लग गई। घर के अंदर सो रहे सदस्य बुरी तरह से झुलस गए। आग के झुलसे परिवार की चीख सुन आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे थे। सभी ने आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को फोन लगाकर बुलाया। एक पड़ोसी ने एम्बुलेंस को फोन पर सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने पहुंचते ही आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग से घर के अंदर रखा सामान जला है। ये सब नीचे फैली हुई थी, और मम्मी ने जैसे अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस चालू करी और इसी आग का भड़का। तो क्या उसका रेगुलेटर चालू ही था क्या? हाँ चालू ही था, बंद करना भूल गए होंगे, तभी तो गैस रसी हुई। तो वो तो चूल्हे में लगी हुई रहती है ना, चूल्हे से ही चालू ही थी वो। हाँ। चूल्हा बंद करना भूल गए, चूल्हे में से गैस निकल रही थी। हाँ। फिर इसके बाद में क्या हुआ? वो सारी खेलते हुए गई, मम्मी इतनी देर में नहा कर आई आधे घंटे बाद, और मम्मी ने बस अगरबत्ती के लिए चालू करा, मतलब पूजा करने के लिए माचिस चालू करी। कितने लोग जले? हम 6 लोग जले। कौन कौन? मैं, मेरी मिसेस, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी साली और मेरी छोटी सी गुड़िया 2 महीने की। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।